एक्सपीरियंस डूइंग फिल्म मुद्दा 370 जम्मू एंड कश्मीर. इट इज माय प्रिविलेज, यस, इन बी द स्टार इज ऑल द स्टार फॉर एवरीवन एंड आई एम रियली ऑब्लाइज फॉर द टीम एज पहले बोलते सभी को इट्स ऑल योर टाइम फ्यू वर्ड्स इज योर ऑल योर टाइम मतलब क्या करें बोलेंगे ऑल टाइम यार ठीक हो जाओ. हमारे हाथ में है कि हम
फिल्म देखी है और मैं चाहती हूँ कि के आर के जी कहाँ है वो जरूर इसमें रिव्यू करें एक बार उनका उनका रिव्यू हमेशा सुनना चाहती हूँ कि हमारे मित्र है बस तोड़ फोड़ के सब पेश करेंगे वो आपके सामने Thank you so much, Kyle Bobby. Thank you so much.
So these two are about, he was a very big person in PVR. PVR the main person ready for 15 years, he has been working on PVR. And now the theaters are in PVR, Inox and Cinemax, all the theaters are in PVR. These are blessings, Jamie Bhai's blessings. I went to a lot of big studios, I went to Panorama, I went to TCS, I went to Shivaji Hai Ji, I went to Reliance, everyone said that we are only 200 टिकट दे सकते हैं, 250 टिकट दे सकते हैं, आप हमें 50 लाख दीजिए, 60 लाख दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और हम आपको मल्टीप्लेक्स नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि क्यों सर? बोले कि हमारी दो फिल्म और रिलीज होगी उसी दिन, हम उसपे ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने सर आप उसपे कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैंने फिल्म आपके लिए बनाई, मैंने फिल्म जनता के लिए बनाई है। तो ये फिल्म इन दो भाई की वजह से आज मैं 2000 फिल्म क्रॉस करूंगा और टू वंस विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय बोर्ड ब्रदर। First of all, I would like to say thanks to each and everybody. And सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि पूरी टीम को बहुत ये बहुत अच्छा वक्त है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि किसी भी फिल्म की जर्नी बहुत मुश्किल होती है और जिस तरह की फिल्म है उस तरह की फिल्म कश्मीर में जाके बना के लेके आना है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके हटने से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ के लोगों को जो सहूलियतें अब हमारी गवर्नमेंट देगी उससे वो खुश हो, खुशहाल हो और आबाद हो। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। बहुत एक्साइटेड थे उसको शूट करने के लिए, तो बहुत बहुत एक्साइटेड थे हम उसको शूट करने के लिए। तो आज हमने देखा उस गाने को तो बहुत खुशी हुई, तो बहुत बहुत खुशी हुई देख कर और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सिचुएशन में गाने ये शूट किए हैं, बहुत मज़ा भी आया गाने शूट करने में। तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली मेरे लिए ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत नया था। एक्टिंग तो फिर भी मैं कर लेती थी ऑन एंड ऑफ, मतलब कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था, लेकिन मुझे इस फिल्म को करते करने के दौरान ये मालूम चला कि एक्टिंग से भी ज़्यादा मुश्किल होता है एक गाने को फिल्माना, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग होती है वो एक एक बीट्स एक एक नोट्स आपको पकड़ने होते हैं। और जो मेरे कोरियोग्राफर थे वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं थ्रू आउट दी जर्नी, उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत सिखाया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा गानों को शूट करने का, और लोकेशन इतनी प्यारी थी, गाने भी इतने अच्छे हैं, तो बहुत मज़ा आया। सर जी को, हितेन जी को और जितने भी स्टार कास्ट है मुद्दा 370 के, इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतना बहुत ही जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो अब जो मुद्दा नहीं रहा है, बट जब फिल्म स्टार्ट की थी तो वो मुद्दा था। तो जो बहुत ही सीरियस मैटर है, जो सीरियस कश्मीर, जो कश्मीर के लोगों को जब धारा या मुद्दा 370 कहते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं, तो वो फिल्म मेरे भाई ने एक और प्रोड्यूसर जी ने, हम लोगों ने एक अलग हट के एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। एंड कश्मीर के लोगों ने और मुंबई के हमारे जितने भी स्टार कास्ट है सब ने बहुत सपोर्ट किया, और राकेश के डायरेक्शन में ये फिल्म एक अच्छी फिल्म बन के, साफ सुथरी फिल्म बन के आई है। देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा है, इसको हम सच्चाई दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कश्मीर पे बहुत ही फिल्में बनी हैं, बजरंगी भाईजान आप जिसको कहे, तो बहुत एक रोमांटिक, एक बच्ची को किडनैप, ये वो बच्ची खो गई उस पर है, उसको अगर हर कोई सब कुछ खूबसूरत 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 दिखाएगा तो कैसे चलेगा। वो भी बहुत अच्छी टचिंग स्टोरी थी, एक लड़की को खोना और आ जाना कश्मीर में और वो अपनी माँ को उस बेटी को देना, ये जो एक मुद्दा है वो बहुत ही डिफरेंट मुद्दा है। हर कोई खूबसूरत खूबसूरत दिखाएगा तो कैसे चलेगा, लेकिन वो जो असली मुद्दे हैं उसे कौन बताएगा। खूबसूरत कश्मीर के पीछे जो दरिंदगी है, जो आतंक है, जो लड़कियों के वहाँ पे उन कश्मीरी लड़कियों के साथ घर में घुस के क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, जिहाद कैसे शुरू हुआ, ये मौलाओं ने, मौलाना जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर के लोगों को, बॉर्डर को, हमारे जवानों को कैसे इस्तेमाल किया, फौजियों को, मतलब मेरा तो एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर इसमें, छोटा सा, बट मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा इसमें एक गाना भी है, आपने देखा है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक लव स्टोरी के साथ कश्मीर के जो रियल मुद्दे हैं वो दिखाए गए, जो दरिंदगी है, जो कश्मीर खूबसूरत कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन उनके उनके अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ क्या घटना घटी है ये तो किसी ने नहीं जाना। तो वो घटना जो है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। हितेन जी ने बहुत ही बेहतर इसमें कश्मीरी लड़के का रोल किया है जिसको एक मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी। जैसे आपने कहा मौलाना खड़की होते हैं, तो बहुत सारे मौलाना कल से आपको बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे वैसे हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बोलती हूँ जो मौलाना जो है वो जिहाद के लिए छोटे छोटे बच्चों को हाथ में किताब के बदले मिठाई के बदले गन दे देते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बोल रही हूँ जो छोटे छोटे बच्चों को दिमाग भ्रष्ट करते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बात करती हूँ जो बच्चों को ज़बरदस्ती ह्यूमन बॉम्ब बनाते हैं और ज़बरदस्ती आतंक सिखाते हैं, ज़बरदस्ती टेररिस्ट बनाते हैं। मैं उन मौलाना के बारे में बोल रही हूँ। मैं हर मौलाना के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे मौलाना है जिनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ही नेक है और वो अल्लाह के बंदे हैं। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सो मच। Happy, of course, definitely. When you do something like this, you feel very happy. I'm very happy. I've got a very good cast ensemble. है जो cast का इतने कमाल के actors हैं, राज जुच्ची जी हैं, मोहन कपूर जी हैं, मोहन जोशी जी हैं, पंकज धीर जी हैं, अनिता राज जी हैं, जरीना जी हैं, तो बड़ा मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ। और प्लस डेफिनेटली ऑफ कोर्स मुद्दा 370, जैसे हमारे राइटर साहब ने कहा कि यू नो हम ये नहीं दिखाना चाहते कि क्या हुआ, किसके किसका फ़ायदा किसका नुकसान, बट 370 की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे वो दिखाए हैं इस फिल्म में। उसकी वजह से कौन कौन अफेक्ट हुए, किस किस को इफेक्ट हुआ, ये दिखाया गया। जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 370 एक आर्टिकल है मुझे इतना पता था, बट लेकिन मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि यू नो यहाँ पे तो ये तो ऐसा है कि जो लोगों की ज़मीन थी, जिन लोगों का सब कुछ था, उन्हें वहाँ से निकाला गया। प्लस आप अभी ना यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर आप कश्मीरी हो, आपकी कोई ज़मीन है, तो आपको यहाँ अंदर ही बेचनी होगी और कोई कहीं नहीं बेच सकते, कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। ये सब मैंने जब रिसर्च की तब पता चला, ये स्टोरी में उसके साइड इफेक्ट्स थे, तो मैंने बोला यार ये लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या है 370, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिन्हें सिर्फ धारा पता है लेकिन उसके क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता होगा। तो दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म, एंड इस फिल्म के जरिए अब हम पहुँचाएंगे लोगों तक कि घाटी में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट में क्लियर ये था कि एक्चुअली क्या हुआ था उसकी वजह से वो दिखा रहे हैं, कोई भी पक्षपात नहीं है कि यू नो दीज गाइज वर राइट और ये राइट थे या ये गलत हुआ या ये सही नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, हु सफर्ड एंड व्हाई, ये दिखा रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लियर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों ने देखा कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बर्फ है, सब कुछ है, बट लिटरली हमारी हालत ख़राब थी। लकीली फॉर मी आगे पीछे की कंटिन्यूटी की वजह से जैकेट्स थे, तो मैं इक्का दुक्का जैकेट पहन के फिर भी ठीक था, लेकिन बिलीव यू मी ऊपर जैकेट से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और ठंड थी, हालत ख़राब हो रही थी। बट यस दैट्स द चैलेंज, एंड जब मैंने ये देखा कि कैमरा वाला वो अपना कैमरा उठा के उस बर्फ़ में नीचे से ऊपर तक जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार वो, और मैं तो फिर भी जैकेट पहना हुआ था, उसने बेचारे ने जैकेट भी नहीं पहना हुआ था, वो कैमरा लाद के, कैमरा गिर गया तो वो भी गया,
उसकी नौकरी भी गई और कैमरा के जाने के वजह से शूटिंग का भी आप समझ सकते हो। तो कैमरा लाद के लेके गया है बंदा, कोई ऐसे चॉपर या कोई इक्विपमेंट नहीं है ऊपर लेके जाने का। यू हैव टू वॉक ऑन योर फुट, गो अप, टेक द कैमरा ऑन योर शोल्डर। तो व्हेन ही कैन डू इट, वी कैन ऑल्सो डू इट। सो दैट्स हाउ वी ऑल डिड इट। पूरा क्रू ऊपर चढ़ के गया बर्फ में। उस बर्फ में चलना इज वेरी डेंजरस बिकॉज यू स्लिप एंड यू गो डाउन। दो तीन लोग गिरे, हम मैं भी गिरा दो तीन बार, बट दैट्स हाउ यू लर्न कि कैसा रखना है, ग्रिप कैसा रखना है। वेरी डिफिकल्ट बट मजा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मैं देना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी के अलग होते हैं और उसमें